हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वाटर कलर को किस तरह से यूज करते हैं वो बताऊंगी, बहुत ही सिंपल टेक्निक में बताऊंगी। मोस्टली क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग वाटर कलर हो या कोई भी कलर हो, इवन वो ड्राइंग के नाम से ही काफी स्केयर्ड फील करते हैं। तो स्केयर्ड फील ना करके मैं आपका मे बी कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं आपके स्केयर्डनेस को थोड़ा दूर कर पाऊं इस टेक्निक से। आपको आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत ही इजी वे में कोई भी बिगनर्स जिसको नहीं भी आता है वो इस टेक्निक को यूज करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर कलर का स्ट्रोक देके बना सकते हो आप ड्राइंग। तो मैं आज आपको वही चीज बताऊंगी कि आपका थोड़ा सा डर जो ड्राइंग को सुन के लगता है, मैं उस डर को थोड़ा निकालना चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से टेक्निक को यूज करना है, क्या करना है। चलिए आज मैं आपको वही बताऊंगी। इस वाली ड्राइंग को हम बनाएंगे। इस ड्राइंग को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ब्रशेस की जरूरत है। राउंड ब्रश, ये मेरा राउंड ब्रश है, फ्लैट ब्रश, और ये 1 नंबर का ब्रश है राउंड। आप किसी भी ब्रश को यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे फ्लैट राउंड ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइंग को। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लू कलर को लिया है, वाटर पे वाटर को वॉश करके सिर्फ ब्लू कलर में टैप करके, देन यहाँ पे मैं टेक्सचर देती जा रही हूँ। सिर्फ ब्रश को आपको टैप करते जाना है, आपका शेड ऑटोमेटिकली आता जाएगा। मैंने यहाँ पे ब्रश को पहले वॉश किया था, वॉश करने के बाद इसके से पॉइंट को मैंने ब्लू कलर में डिप किया तो ये ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर गया अंदर तक इसका ब्लू कलर। जो शेड आप देख रहे होंगे कि इसके पॉइंट पे डार्क आ रहा है और ऊपर इसका लाइट शेड आता जा रहा है। जो लाइट शेड आ रहा है वो वाटर की वजह से लाइट शेड आता जा रहा है, बाकी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पॉइंट को ही टैप किया है ब्लू कलर में। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये आ रहा है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी किस तरह से आपको करना है। आपको सिर्फ अपने हैंड से, अपने हैंड के पॉस्चर को आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको किस साइड का पॉस्चर रखना है फ्लावर्स को, बस आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रश को टैप कर रही हूँ, नीचे को दबा रही हूँ, बस इसी तरह से आपको करते जाना है, आपका शेड ऑटोमेटिकली आता जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से शेड आ रहा है। जहाँ जहाँ पे मेरा ये थोड़ा सा ड्राई आ रहा है, मैं वापस से वाटर में डिप करके हल्का सा पॉइंट ब्लू में डिप करती हूँ, हल्का सा पॉइंट, एंड देन फिर से करने लग रही हूँ। तो ये शेड आपको खुद ही दिख रहा होगा कि किस तरह से आ रहा है। जहाँ आपको ड्राई फील हो आपका ब्रश, जैसे कि अभी मेरा ड्राई हुआ, तो आपको ज़रा भी ड्राई फील हो रहा है कि आपके ब्रश को, तो आप वाटर में टैप करें एंड देन हल्का सा कलर लेके आप इसको करते जाएं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का ब्रश लिया है और इसको सिर्फ वाटर में डिप किया है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, आपको दिख रहा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ वाटर को लिया है और वाटर को लेके इसको स्प्रेड करते जा रही हूँ। इसका जो भी इस फ्लावर के अंदर जो भी कलर है, जो एक्स्ट्रा कलर है, सिर्फ वो वाटर से स्प्रेड करने पे ऑटोमेटिक ये शेड होता जा रहा है, निकल के आता जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज़ करना है, आपको एक्स्ट्रा कलर्स कोई भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर लेना है। आप वाटर से सिर्फ आप स्प्रेड करोगे आपका वो आता जाएगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक्सेस हो गया था कलर, तो मैं इसको वाटर लगा के एज अ इरेजर इसको मॉप करती जा रही हूँ। बाकी आपको दिख ही रहा होगा कि ये किस तरह से शेड आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड निकल के आता जा रहा है।
एक परफेक्शन आर्टिस्ट जो होता है, जो बहुत ही बड़े परफेक्शन वाले होते हैं आर्टिस्ट, तो लोग उनकी ड्राइंग देखते हैं तो डर जाते हैं कि हम ये शेड कैसे लाएंगे, किस तरह से करेंगे। तो कुछ भी नहीं होता है, ये होता है सिर्फ एक कलर करने का एक टेक्निक होता है जो आपको मैं बता रही हूँ। आप इस तरह से वाटर कलर को सिर्फ हल्का सा वाटर लगा के स्प्रेड करते जाइए, आपका शेड आता जाएगा। सिर्फ इसी तरह से आपको करना है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरह से शेड आ रहा है। बस आपको ब्रश में ओवरलोड नहीं रखना है, ना ही वाटर का ओवरलोड रखना है ब्रश में आपको, और ना ही कलर का। यहाँ पे मैं एक्सेस जो वाटर है उसको हल्का सा क्लॉथ में टैप करना है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा वाटर की ज़्यादा नीड है तो मैं यहाँ पे वाटर लगाती जा रही हूँ और इसको स्प्रेड करती जा रही हूँ, तो कलर इस पर निकल के आता जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ पे भी मुझे एक्सेस लग रहा है कलर, वहाँ पे मैं सिर्फ वाटर लगा के इसको एज ए इरेजर यूज़ कर रही हूँ। वाटर लगाया और थोड़ा सा उसको राउंड किया तो ऑटोमेटिक वो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉरी, तो इसी तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ वाटर लगा लगा के इस तरह से करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अब पिंक कलर लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने पिंक लिया तो आप भी पिंक लें, मैंने ब्लू लिया तो ब्लू ही लें। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं एज योर विश। मुझे पिंक अच्छा लगा, ब्लू अच्छा लगा, इनका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन लेके किया है। हाँ, यहाँ पे जो मैं ये चेरीज़ बना रही हूँ, इन चेरीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर सर्कल आना चाहिए तो ही आपकी चेरी लगेगी। आप खुद देख सकते हो मैं इसमें कोई प्रॉपर सर्कल नहीं बना रही हूँ, मैं फ्री हैंड करती जा रही हूँ बस। और उसमें अपने आप ही देखिए, आप कहीं कहीं देख रहे होंगे वाइट भी छूट रहा है, यहाँ पे लीव हो जा रहा है, और शेड ऑटोमेटिक अपने आप ही, जब आप वाटर आपके ब्रश में लोड होता है तो आप उसको कलर को डिप करोगे तो शेड ऑटोमेटिक ही शेड आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा कलर ज़्यादा होता है वो वहाँ पे कलर रह जाता है, बाकी हमारा वाटर जो है वो कलर को स्प्रेड कर देता है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको करना है, सर्कल बनाते जाना है। मैं यहाँ पे सैप ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर द लीफ। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ किया है लीफ के लिए। मैंने हल्का सा वाटर को लिया, वाटर में वाटर लिया और ब्रश को हल्का सा ग्रीन में सिर्फ डिप किया है, लाइटली डिप किया है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि आपको ज़रा सा सिर्फ डिप करना है, उसके बाद आपको स्प्रेड करना है। ये मैं लीफ, फ्री हैंड लीफ बनाती जा रही हूँ। आपको इसी तरह से लीफ बनाना है। अब मैं ब्लू में बिल्कुल लाइटली ब्लैक का एज अ पॉइंट मैंने ब्लैक को मिक्स किया है ब्लू में। उसके बाद मैं इसकी लाइनिंग को, इसकी शार्पनेस के लिए, इसकी स्टेम को बनाने के लिए मैंने ये कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें सिर्फ आपका ब्लू है, ब्लू में एज अ पॉइंट लिटिल बिट मैंने ब्लैक कलर को यूज़ किया है। उसके बाद मैं ये 1 नंबर का ब्रश है मेरा, इस ब्रश से मैं इसकी स्टेम को और इसके ऑल ओवर जितने भी हैं उसमें आउटलाइनिंग कर रही हूँ। इसमें आपको जो मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आउटलाइन नहीं करना है कि ये सर्कल बनाए तो मुझे पूरा सर्कल को ही आउटलाइन करना है, नहीं।
आपको सिर्फ एक टचअप देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी है, ये फ्लावर्स हैं, चेरी है, लीफ है, इनको मैं सिर्फ और सिर्फ टचअप दे रही हूँ साइड बाय साइड का। और आपको इस तरह से करोगे आप, ऐसा लगेगा कि किसी परफेक्शन मतलब किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने इस तरह से बनाया है, जो कि बहुत इजी है। आप इसको ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। और आपको, आप ये देख सकते हो कि इसका जो टचअप दिया जाता है, आप वाटर कलर हो या कोई भी कलर हो, आप कोई भी पेंटिंग हो, जब तक आप टचअप नहीं देते तब तक वो पेंटिंग आपकी खिल के नहीं आती है। इवन पेंटिंग ही क्या, आप कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में आपको टचअप की ज़रूरत होती है। तो जब तक टचअप नहीं दिया जाएगा तो वो खिल के नहीं आता है। तो ठीक उसी तरह से इसके इसको मैं टचअप दे रही हूँ। आप खुद देख सकते हो कि ये कितना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा है ये टचअप देने के बाद। आपको इसी तरह से टचअप देना है। मैंने ये सिर्फ ब्लू कलर में ज़रा सा ब्लैक को मिक्स किया, प्रॉपर ब्लैक नहीं लिया है मैंने, सिर्फ ब्लू में ब्लैक को मिक्स किया है, जिससे कि मेरा ब्लू कलर थोड़ा डार्क हो गया है और इन कलर से थोड़ा डार्क है, इसलिए मुझे ये आउटलाइनिंग करना, सॉरी आउटलाइनिंग जो इसकी आउटलाइनिंग है वो और भी ब्यूटीफुल तरीके से खिल के आ रही है। आई होप कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं वो आपको देने की कोशिश करूँगी, और चाहूँगी कि आप भी मुझे कोई, आपके पास कोई एडवाइस या कमेंट या कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। और कोई भी न्यू टेक्निक आप जानना चाहते हैं, अगर मुझे नॉलेज होगी तो उसकी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बस आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं यहाँ पे हल्का सा वाइट का भी टचअप दिया है मैंने, कहीं कहीं पे, नॉट टू ऑल, मैंने बस कहीं कहीं पे, मुझे जहाँ मतलब कि आपको जहाँ पे लगे वहाँ पे आप हल्का फुल्का दे सकते हो। चेरी में मैंने हल्का सा वाइट का टचअप दे दिया है, यहाँ पे मैंने वाइट का टचअप दे दिया है, आप देख सकते हो इसमें। आई होप कि मैं, मुझसे जितनी हेल्प हो पाई होगी मैं वो करूँगी आपकी। और आपको कोई और भी टेक्निक सीखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।